हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलेक्स को एक लैपटॉप मिला था जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में एक रिसर्चर था जिन्हें बताता है अगर उन्हें इस दुनिया को बचाना है तो उसके लिए उन्हें एस को बचाना होगा, क्योंकि एस ही इस दुनिया को बचा सकता है। वो रिसर्चर इन्हें अपना नाम बताने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब आगे तीनों सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये एस है कौन और डॉक्टर ओशेड उसे लेकर कहाँ गया है। अभी ये लोग ये सोच ही रहे थे तभी उन्हें आसपास हलचल महसूस होने लगती है, जैसे कि वहाँ पर मॉन्स्टर आ गए हों। ये देखकर जेड जल्दी से कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए जेड कहता है लिफ्ट खराब हो चुकी है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सीढ़ियों से बाहर निकले। तीनों भागते भागते एक बड़े से गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसी गेट के पीछे यहाँ से निकलने के लिए सीढ़ियाँ थीं। तीनों सोचने लगते हैं आखिर वो इस गेट को खोले कैसे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उन पर केमिकल बॉम्ब से हमला हो जाता है। जेड गुस्से में कहता है जो भी इस चैम्बर के पीछे है मैं उसे वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे एक रिसर्चर मौजूद था। जेड जल्दी से पूछता है आखिर तुम कौन हो। इस पर वो रिसर्चर हड़बड़ाते हुए कहता है मैं बस एक रिसर्चर हूँ, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी सीढ़ियों से मॉन्स्टर ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर ये लोग जल्दी से उन मॉन्स्टर को शूट करने लगते हैं। जेड कहता है रोज जल्दी से रिसर्चर को लेकर बाहर निकलो, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। ये सुनकर रोज उस चैम्बर से बाहर आ जाती है। रोज के बाहर जाते ही जेड और एलेक्स भी मौका देखकर उस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और जल्दी से चैम्बर को बंद कर देते हैं। भागते हुए ये लोग एक हॉल में आ जाते हैं। जेड रिसर्चर को धमकाते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो और क्या इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो तुम लोगों की वजह से हो रहा है। इस पर रिसर्चर जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं नहीं, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हम तो बस इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन एंड में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये वायरस बन गया और इस दुनिया की ऐसी हालत हो गई, पर मैं जानता हूँ इस दुनिया को कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे पहले कि रिसर्चर और कुछ बता पाता वहाँ पर भी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर रिसर्चर उन लोगों को सेफ चैम्बर में ले जाने लगता है। इधर हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो परेशान होकर कोई चीज़ ढूंढ रहा था। भागते भागते ये लोग सेफ चैम्बर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मॉन्स्टर आ गए थे। ये लोग भागकर जल्दी से चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं। मॉन्स्टर अभी के लिए इनके पीछे पड़े हुए थे। तभी एलेक्स की नज़र सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है जो न जाने कहाँ से वहाँ आ गया था। वो उसे भी जल्दी से अंदर चलने के लिए कहता है। सभी लोग भागकर चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं। मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ रहे थे। ये देखकर वो रिसर्चर जल्दी से कहता है एआई जल्दी से ये दरवाज़ा बंद कर दो। उसका ऑर्डर मिलते ही एआई वो दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होते होते कुछ मॉन्स्टर अंदर आ चुके थे। वो लोग जल्दी से उस पाथवे से होते हुए सेफ चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी रिसर्चर को रियलाइज़ होता है भागते हुए इसके हाथों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पैसेज के अंदर गिर गई है। रिसर्चर उस चीज़ को हासिल करने के लिए पैसेज में कूद पड़ता है, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर भी थे। ये देख एलेक्स जल्दी से रिसर्चर की मदद करने जाने लगता है, लेकिन इस दौरान सेफ चैम्बर का दरवाज़ा बंद होने लगता है। ये लोग जल्दी से सेफ चैम्बर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी के लिए पैसेज में काफ़ी सारी लेज़र लाइट घूम रही थी जो पैसेज में मौजूद मॉन्स्टर्स को मार रही थी। रिसर्चर के ऑर्डर पर एआई ने डिफेंस सिस्टम शुरू कर दिया था, इस वजह से अभी के लिए पैसेज में लगातार लेज़र लाइट घूम रही थी जो मॉन्स्टर को तो मार रही थी, पर साथ ही साथ अभी लेज़र लाइट रिसर्चर और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगी थी। अपनी जान को खतरे में देख रिसर्चर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है एआई जल्दी से डिफेंस सिस्टम बंद करो, और एन मोमेंट पर डिफेंस सिस्टम बंद हो जाता है जिस वजह से इनकी जान बच जाती है। एआई ने सेफ चैम्बर का दरवाज़ा दोबारा से खोल दिया था। एलेक्स और रिसर्चर सेफ चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। तभी एलेक्स को अपनी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है।
तुमने की हंट की रक्षा करने का मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन के लिए तुम्हें 5000 पॉइंट दिए जाते हैं और तुम्हारे लेवल को भी अपग्रेड किया जाता है। एलेक्स का स्पिरिट लेवल अभी के लिए 20 पॉइंट से बढ़ गया था और उसकी पावर भी लगभग डबल हो गई थी। अब सीन बदल जाता है और हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो सेफ चैम्बर में बैठे हुए थे। सभी लोग खामोश थे। तभी रिसर्चर कहता है, ये कंट्रोल रूम है, इसीलिए ये यहाँ की सबसे सेफ जगह है। चिंता मत करो, जल्द ही सीक्रेट सर्विस आकर हमें यहाँ से बचा लेगी। ये सुनकर जेड उससे पूछता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सीक्रेट सर्विस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगी। इस पर रिसर्चर हड़बड़ाने लगता है तो रोज कहती है, क्योंकि यही इंसान डॉक्टर ओशेड है और इसे ही पता है कि अभी के लिए एस कहाँ पर है। क्यों मैं सच कह रही हूँ ना डॉक्टर ओशेड? ये सुनकर डॉक्टर ओशेड जेड को भी कुछ समझ आ जाता है और वो आगे कहता है, और जिस चीज़ को बचाने के लिए तुमने पैसेज में अपनी जान खतरे में डाली थी, वही चीज़ एस है ना। ये सुनकर डॉक्टर ओशेड हड़बड़ाने लगता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर रोज उसे समझाते हुए कहती है, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, बस हम इतना जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी इनकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अगला मिशन एक्टिवेट हो गया है, तुम्हें इस मिशन में एस की रक्षा करनी है। इस मिशन को कंप्लीट करने पर तुम लोगों को 2000 पॉइंट दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन मिलते ही तीनों अगले मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर डॉक्टर ओशेड कहता है, मैं तुम लोगों को चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस इतना समझ लो मेरे ऊपर एक लोकेशन ट्रैकर लगा है, ऐसे में सीक्रेट सर्विस हमें आसानी से ढूंढ लेगी और हम सब बच जाएंगे। बाकी मैं अभी के लिए तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। इधर हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो अचानक से बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।